अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। मेरी जान निकली जा रही और हम महाशय को कहानी सोच रहे हैं। हर बात में मस्ती मजाक। मैम आपने बुलाया? मिस्टर मल्होत्रा की फाइल कब से मांग रही हूँ मैं, तुम दे ही नहीं रही हो। मैम वो तो मैंने सुबह ही टेबल पे रख दी थी। ओके, मैंने देखी नहीं इसलिए आई एम सॉरी। समझ नहीं पा रही हूं मैं क्या करूं। नमस्ते अंकल आंटी। आप नानी आजी से परमिशन ले रही हैं तो मैं अंकल आंटी से ले लेता हूं। आफ्टर ऑल मैं उनकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। अंकल आंटी प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी बेटी को खुश रख सकूं। हालांकि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि वो इतनी गुस्सेल है, गुस्सा हमेशा उनके नाक पर रहता है। पर क्या है ना, वो गुस्से में भी इतनी सुंदर लगती है कि मैं उनके गुस्से को सीरियसली ले ही नहीं पाता। प्लीज प्लीज मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं आपकी बेटी को खुश रख सकूं, उन्हें बहुत बहुत प्यार दूं, आपके हिस्से का भी प्यार दे सकूं। बस बहुत हो गया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये क्यूट एक्ट मुझे इंप्रेस कर देगा? नहीं समझ रही हो डीवी, नानी आजी से बात करना कितना डिफिकल्ट है। जानता हूं कि डिफिकल्ट है पर करना तो पड़ेगा। लेकिन उसके चक्कर में आप हमारा नया नया प्यार जो अभी अभी हुआ है उसे क्यों किल कर रही है? किल कीजिए ना, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा डीवी? अरे हो जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए ना। मैं सोचकर बताता हूँ। अपना मुंह टेढ़ा मत कीजिए और ज्यादा सुंदर लगेंगे। अब तो इतनी सुंदर लग रही है कि मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। ओह इतना गुस्सा! अरे गुस्से में तो आप और ज्यादा सुंदर लग रही हैं। वाह वाह साची जी, व्हाट एन एक्सप्रेशन यार। ये एक्सप्रेशन देखकर ना मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं टेबल पर डांस करूँ आपके लिए। अरे अरे साची जी, होल्ड इट प्लीज प्लीज, स्माइल मत कीजिए, एक्सप्रेशन खराब हो जाएगा। प्लीज ओ गॉड स्माइल कर दिया। अच्छा अब हंसना मत। ओ गॉड व्हाट अ लॉस। जोकर हो तुम बिल्कुल। जोकर या नौकर जो भी हूँ, पर आप ही का हूँ मैं। चलो जाओ, अब बहुत काम। पक्का? हाँ जाओ। Are you sure? जाओ ना। मेरे आंखों में आंखें डालकर बोलिए। जाओ। इन तीनों में से बच्चों को इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगेगा। इसकी प्रोडक्शन वो किडी पैक के लिए शुरू करवा देते हैं, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। और ये जो साची बिटिया, क्या हुआ? गजब हो गया, शेर सिंह कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा मतलब? जरा आदू भैया को फोन लगाओ और पूछो कि कहीं वो तो चाबी नहीं ले गए हैं। अरे नहीं नहीं, आदू तो कॉलेज में, अभी बात हुई मेरी उससे, मैंने चाबियां चाबियां कहां गई? यही रखी थी मैंने, चाबियां कहां गई मेरी? मैम हम बहुत देर से फैक्ट्री के राउंड पर थे ना, तो शायद किसी ने उठा ली हो। अरे ऐसे कैसे कोई उठा कर ले जाएगा चाबियां? मुग्धा तुम सारे वर्कर्स को बुला। हाँ। अब चलिए मेरे साथ। हाँ। चली। नहीं मुग्धा कुछ पता नहीं चला है अब तक, यादव जी ने फोन ही नहीं किया। हाँ हाँ, नहीं तो मुझे इमीडिएटली फोन करके बता देना। हाँ बाड़ा, हाँ फिर सिंह को कुछ नहीं होगा, जो उसे लेके गए हैं ना वो उसे यहाँ ला कर डालेंगे, उसे कौन संभालेगा, तेरे सिवा कौन चलाएगा? बोल बोल मुझे। अरे पुत्र मेरी बात सुन,
तेरे शेर सिंह को ना कोई पंगार वाला भी नहीं लेकर जाने वाला, उसके सारे अस्थि पंजर तो ढीले हुए पड़े हैं। नानी प्लीज, नानी आप कुछ सोच, वो लेकर जाकर क्या करेगा, क्या उसका कैसे लेके जाएगा, वो जाएगा शेर सिंह उसके साथ जाएगा नहीं जाएगा ना। तेरे सारे वर्कर ढूंढ रहे हैं ना, है ना, अभी मिल जाएगा, कोई ना कोई चोर मिल जाएगा जो उसको धक्का लगा रहा होगा। तो मैं पुलिस पे फोन करती हूँ। पुत्र मत करना बेटा। शेर सिंह आया। नानी जी ये हमारे दद्दू ही हैं। देखो मेकओवर करके एकदम स्टाइलिश लग रहे हैं ना। अरे मेकओवर, ये तो लंदन रिटर्न लग रहा है। मैंने कहा था ना कि आपकी जिंदगी में रंग भर दूंगा, यह है पहली रंगीन शुरुआत। बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरो। मैं अपनी तन्हाई के वास्ते अब कुछ तो कर। अरे डीवी पुत्र, तुम तो शेर सिंह को बिल्कुल सही टाइम पर ले आए, वरना सांची तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने वाली थी। तो मैं जेल में होता। अरे आप मेरा बेल कराती ना। सांची जी आइए ना, बैठिए बैठिए, सिट बैठिए ना। वैसे सच कहूं, तुमने तो ना शेर सिंह की सूरत ही बदल डाली। सूरत तो किसी और की भी देखने लायक थी, है कि नहीं नानी जी? अनिल अगर होता ना तो बहुत खुश होता। शेर सिंह का ये जो रूप बदला है ना, उसे बहुत पसंद आता। अनिल यानी? सांची के पापा, रंगों का बहुत शौक था ना उसे। अरे वाह, मतलब अंकल जी तो बिल्कुल मेरी तरह चेयरफुल मूड वाले थे, है कि नहीं? अरे आजी मुझे कुछ बताइए ना अंकल के बारे में, उन्हें और क्या क्या पसंद था बताइए ना नानी जी। हाँ क्या क्या पसंद था उन्हें? टीवी, क्या कर रहे हो तुम? क्यों, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें नानी और आजी की आंखों में आंसू दिखाई नहीं दे रहे? प्लीज ये सुने, पापा और आई की याद मत दिलाओ, देख नहीं रहे हो कितने इमोशनल हो रहे हैं वो? मैंने उनके आंखों के आंसू देख लिए हैं सांची जी, पर आपने उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट नहीं देखी जो आपके पापा का नाम लेते ही उनके चेहरे पर है। डीवी प्लीज प्लीज जस्ट स्टॉप ओके? क्यों, मैं आपके मम्मी पापा के बारे में बात नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, सुना, नहीं कर सकता कोई, क्योंकि उनकी बात करते ही भयानक एक्सीडेंट याद आ जाता है जो उन्हें हमसे छीन कर ले। आजी और नानी की आंखें भर आती, तुम लकी हो, तुम्हें नहीं पता एक ही दिन में एक ही झटके में बहू और बेटी को खोना क्या होता है।
बेटी और दामाद को खोना क्या होता है। बर्थडे पार्टी की तैयारी करते करते अंतिम संस्कार की तैयारी करना क्या होता है। मुझे लगा कि तुम हमें समझते हो, पर तुम जाओ यहां से। जी आई प्लीज जाओ ना प्लीज। ओके आची आनी। कुछ ज्यादा ही भी बोल दिया तुमने पुत्र उसको। ये क्या है? चॉकलेट? वो लड़कियां यही देती है ना अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को। मतलब ये मेरा आधा खाया हुआ चॉकलेट अब मुझे ही दे रही है। ओह सॉरी, मैं घर से जल्दी जल्दी में आई ना तो लेकर नहीं आई मैं। लेकिन कपल एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं ना जब सॉरी बोलना होता है तो। फूल भी देते हैं। फूल? देवी मुझे नहीं पता ये सब। मैं अरे हाँ, यू नो व्हाट, गार्डन में ना एक रोज खिला है। रुको मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए। चॉकलेट और फूल से ज्यादा जरूरी है कुछ और शेयर करना। बताओ क्या बातें, आंसू, खुशी, दुख, डर, गुस्सा, वो सब जो हम किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। साची जी, यहां एक विंडो है, खोलिए उसे, मुझसे शेयर कीजिए वो सारी चीजें जो आपने वहां पर छुपाई है। मैं भी जानना चाहता हूं कि इतनी बहादुर, इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की किन यादों से डरती है, क्यों डरती है। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं अपने फीलिंग्स के बारे में बात नहीं कर पाती टीवी, कभी कभी किया ही नहीं है तो। और मुझे नहीं पता कि आगे भी मैं कर पाऊंगी या नहीं।
चाची जी, कोशिश करके तो देखिए, आखिर मुझे भी तो मिलवाइए अपने मम्मी पापा से। मैं भी तो अपने गर्लफ्रेंड के पापा को जानना चाहता हूँ, उसकी मम्मी को जानना चाहता हूँ। अच्छा लेट मी गेस, आपके पापा बहुत गुस्से वाले होंगे इसलिए आप इतना गुस्सा करती हैं। नहीं नहीं नहीं, पापा तो बहुत हंसमुख थे, हमेशा हंसते रहते थे, उनकी एंट्री हंसते हुए होती थी, उनकी हंसी से घर हमेशा गूंजता। तो इसका मतलब है कि आपकी मम्मी स्ट्रिक्ट थी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, आई तो आई तो मुझे बहुत प्यार करती थी, कभी डांटा ही नहीं उन्होंने मुझे, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, बिना मांगे ही मुझे सब कुछ मिल जाता था। तो मतलब आपके मम्मी पापा ने आपको स्पॉइल कर दिया? स्पॉइल किया है मुझे, पापा रोज मेरे लिए चॉकलेट लाते थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह, आइसक्रीम्स, कॉमिक्स, कभी लॉन्ग ड्राइव और आई भी बहुत लाड़ किया है दोनों ने मुझे, आई तो मेरे लिए बस बस। पापा का खुशी से घर में आना याद रखें, उनका जाना नहीं, फोन लेट हिम गो, उन्हें हमेशा साथ रखें पर हंसते हुए। क्या सोच रहे हो? अब कुछ नहीं। साची आई थी क्या? हाँ, मुझे मनाने आई थी। मनाने? अब तुमने क्या किया? अरे कुछ नहीं, बस वो मैंने उसके डैड के बारे में बात छेड़ दी, वो चिढ़ गई। चिढ़ नहीं गई डीवी, वो आज भी उस एक्सीडेंट के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती है, इसलिए जब भी कोई अंकल आंटी के बारे में बात करता है वैसे ही रिएक्ट करती है, और कोई बात नहीं करता अंकल आंटी के बारे में, स्पेशली जब साची का बर्थडे आसपास हो। साची जी इतने सालों से इस गिल्ड के बोझ को ढोती आ रही है। अगर मैं साची जी से सच्चा प्यार करता हूँ तो मुझे उन्हें इससे बाहर निकालना होगा। जो बर्थडे आज तक सेलिब्रेट नहीं हुआ उसे इस साल मैं सेलिब्रेट करूंगा। अच्छी जी को एहसास दिलाना जरूरी है कि वो बर्थडे सालों पहले छूट गया, वो हर साल उसे दोहरा नहीं सकती। इन टीवी ये बहुत ही ट्रिकी है। ट्रिकी है पर बहुत जरूरी है। साची जी का बर्थडे परसों, मैं कुछ स्पेशल प्लान करूंगा, तुम मुझे हेल्प करोगी ना? मैं मना करूंगी तो तुम मान जाओगे? साची जी को और दुख झेलने की जरूरत नहीं, दुख का टाइम अब। ठीक है बाबा, वील ट्राई, लेकिन एक बात है, ये मुश्किल है। साची जी हम सबके लिए इतना कुछ करती है, हम भी कुछ मुश्किल ट्राई कर सकते हैं उनका बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए। ऑफ कोर्स। नानी जी,